हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलर लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है, ये इस बेसिस पे डिज़ाइंड है कि जो हमारे पिछले पेपर्स आए समर के, AMIE के पेपर्स 2020 वाले, हम उन पेपर्स में से आज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के पेपर को उठाएंगे और उसकी एक इन शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस सेगमेंट से आए हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न रहेगा आज का टॉपिक वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये काफ़ी थ्योरेटिकल नेचर का टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के सेगमेंट से डिवाइड किए गए हैं, पार्ट ए और जो आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में आपके जो मोस्टली टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल से हैं, और जो ग्रुप बी के हैं, ग्रुप बी में कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें एक ब्रिक का टॉपिक है, इसके अलावा CPM पर्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं 2020 के, वो किस तरीके के आए हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पहले ग्रुप ए के क्वेश्चन के। ठीक है, तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये स्टोन क्वेरिंग से क्वेश्चन है। ऑलराइट, और आगे कह रहा है कि उन सारे मेथड्स को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो बेसिकली स्टोन क्वेरिंग क्या है, ये आप तो जानते ही हैं, रॉक सर्फेसेस हैं वहाँ से स्टोन का कलेक्शन करना। ओके, तो अब इसे आप एक थ्योरेटिकल वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक डेफिनेशन आप क्वेरिंग की पहले लिखना चाहेंगे, उसके बाद फिर जो इनके अलग अलग मेथड्स हैं आप वो मेथड्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अगर वेटेज देखा जाए तो इस क्वेश्चन का वेटेज आया है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेरिंग जो है बेसिकली डिफाइन करने के बाद ओवरऑल ये 3 मेथड्स में हम क्वेरिंग को परफॉर्म करते हैं। पहला तो है हैंड क्वेरिंग, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका मशीन क्वेरिंग, और तीसरा आ जाता है आपका ब्लास्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं स्टोन की क्वेरिंग के लिए। ठीक है, तो अब आप एक एक करके इन फीचर्स को लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेटेज वाइज इस क्वेश्चन को हमारे पास 6 मार्क्स मिले हैं, तो अगर आप हमारी ये AMIE की कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स की लेक्चर सीरीज़ को अटेंड करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। तो इन केस अगर आपकी प्रिपरेशन है और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेशन में हमारे एग्ज़ाम्स अभी क्लोज आ रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम बचता है और ये सब्जेक्ट अगर आपको कवर करना है तो आप ये लेक्चर सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर हमने काफ़ी प्रिसाइज में एक कोर्स डिज़ाइन किया है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का, तो कम टाइम में ही आपका एक इफेक्टिव स्टडी हो जाएगा। ज़्यादातर टॉपिक्स उसमें कवर कर रखे हैं, इवन ये जो क्वेरिंग का है, स्टोन क्वेरिंग का, इसे भी हमने स्पेशली वहाँ पर टॉपिक में डिस्कस किया है। तो जो पेपर की एनालिसिस हमारे पास निकल करके आती है उसके हिसाब से ही जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर सीरीज़, उसे हमने मोल्ड किया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको क्वेश्चन उसी डोमेन से मिलेंगे। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा वाइड एनालिसिस या फिर बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिसाइज में भी रख सकते हैं अपने मटेरियल को। ठीक है, और जल्दी से आप इसे कवर कर सकते हैं। तो छोटा ही टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, इसमें कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिटेरियोरेशन डिफेक्ट्स ऑफ स्टोन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्टोन के डिटेरियोरेशन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो स्टोन का डिटेरियोरेशन यानी कि एज के साथ साथ स्टोन की जो स्ट्रेंथ है, जो स्टोन की हमारी यूज़फुल लाइफ है, उन सब पे क्या असर पड़ रहा है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखनी है। तो बेसिकली ये सभी को आप एक जनरल एनालिसिस में लिख सकते हैं कि स्टोन की डिटेरियोरेशन होती क्यों है, बिकॉज ऑफ वेरियस वेदरिंग कंडीशंस, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग हो चाहे केमिकल वेदरिंग हो। ठीक है, और इसके बाद इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट था कि हमको प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन पे लिखना है, तो स्टोन की प्रिजर्वेशन कैसे की जाए। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स में अगर आप देखें तो
हम स्टोन की कोटिंग करते हैं, सिलिका कोटिंग करा देते हैं, उससे भी स्टोन की प्रिजर्वेशन होती है। इसके अलावा अगर प्रिजर्वेशन की बात करें तो पॉलिशिंग कराना है, ठीक है, जो भी हमारे स्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं, अगर जॉइंट की बात करें, जॉइंट वहाँ पे आ रहे हैं तो जॉइंट को कम्प्लीटली फिल करना है, ऐसा ना हो कि जॉइंट से एयर इंग्रेस या मॉइस्चर इंग्रेस हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये भी टॉपिक जो है हमारा स्टोन का, इसे हमने अच्छे से कवर कर रखा है हमारे लेक्चर में। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है यहाँ पे, ये भी एक सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें आपसे पूछा है फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट ऑफ ए स्टोन भी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम इसकी हार्डनेस का टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की टेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर टेक्सचर है स्टोन का, हम उसके स्टोन टेक्सचर की टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारा अगला, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसका टोटल जो वेटेज है यह है आपका 22 मार्क्स का, राइट। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ए का ही है दूसरा क्वेश्चन। वैसे तो एग्ज़ाम का आपको है कि दोनों ही ग्रुप से मिनिमम आपको दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने ही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टू की बात करते हैं, तो क्वेश्चन टू में इनका पहला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पे यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखनी है, किसकी हाइड्रेशन, सीमेंट की, ठीक है। तो हाइड्रेशन बेसिकली आप समझ ही रहे हैं कि सीमेंट में जब वाटर का इंग्रेस होता है तो सीमेंट का वाटर के साथ जो बॉन्ड बनता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाता है। हाइड्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से सीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ गेन करता है, अदरवाइज़ सीमेंट इट्सेल्फ अपने आप में क्या है, एक पाउडर फॉर्म में है, वो आपके किसी भी इंजीनियरिंग यूज़ में नहीं आएगा। बट जैसे ही उसका वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पर उस हाइड्रेशन फिनोमेना की वजह से सीमेंट में स्ट्रेंथ गेन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रेशन के बारे में पूछा है, ठीक है, साथ में पूछा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन की वजह से सीमेंट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपर हाइड्रेशन हुआ नहीं हुआ, अगर प्रॉपर हाइड्रेशन हुआ तो स्ट्रेंथ कैसी हमारी डेवलप होती है, इनकेस अगर मॉइस्चर कम पड़ गया तो वहाँ पे लम्ब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर मॉइस्चर हमारे पास ज़्यादा है तो सेग्रीगेशन ब्लीडिंग जैसी केसेस वहाँ पे सामने देखने को हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे वही फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू का पार्ट बी, ये 6 नंबर के लिए पूछा है आपसे। यहाँ पे कह रहा है वेरियस टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको वेरियस टाइप एंड प्रॉपर्टीज़ जो सीमेंट की है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स में आप लो हीट सीमेंट होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, फिर इसके बाद रैपिड हार्डनिंग है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है, इस तरीके के जो भी टाइप ऑफ सीमेंट्स है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन का वेटेज है 6 नंबर का, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 से 4 वेरियस अलग टाइप ऑफ सीमेंट्स लिख सकते हैं, और क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन भी करना है तो उनमें से एक या दो को आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सिलिका कंटेंट है उसको हम बढ़ाते हैं। जैसे सीमेंट के जो बॉक्स कंपाउंड है, यहाँ पे 4 तरीके के बॉक्स कंपाउंड होते हैं, C3S है, C2S है, C3A है और C4AF है। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो चाहे रैपिड हार्डनिंग हो, तो रैपिड हार्डनिंग में हम यहाँ पे C3S कंटेंट को बढ़ाते हैं और C2S को घटाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है हमने कि इनिशियल स्ट्रेंथ गेन या इनिशियल फेस में स्ट्रेंथ गेन के लिए सीमेंट में हमारे पास कौन सा कंटेंट हम यूज़ करते हैं, C3S, इसके कंटेंट को हम बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, सीमेंट की जो रैपिड हार्डनिंग हो जाती है, साथ में इसके साथ हम अगर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो उसमें हम SiO2 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का फॉर्मेशन करवा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर लो हीट सीमेंट को एक्सप्लेन करना है तो लो हीट सीमेंट में फिर हम क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट में हम C2S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं और C3S और C4AF या C3A के कंटेंट को कम कर देते हैं, बिकॉज C3A और C3S यही दोनों ऐसे हैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो अगर मास कॉन्क्रीटिंग करनी है तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लो हीट सीमेंट का यूज़ करें, फॉर एग्जांपल डैम या किसी रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन में, तो ऐसे केसेस में हमारी कोशिश रहती है कि हम C2S कंटेंट को बढ़ा दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी टैकल हो जाता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें भी नोट्स में कवर्ड हैं हमारे। फिर आप आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, यहाँ पे कह रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट ऑन सीमेंट। तो सीमेंट पे वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट में आप इसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं कि ब्रॉडली हम सीमेंट में 2 तरीके के टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल टेस्ट, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी केमिकल टेस्ट की।
फिज़िकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, फिज़िकल टेस्ट में हम सीमेंट का टेक्सचर देखते हैं, हम उसे देखते हैं कि उसे पानी में अगर कुछ सीमेंट को हाथ में लेकर के पानी में थ्रो करें, बकेट में थ्रो करें, तो वो डूब रहा है या फिर तैर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा होता है कि सीमेंट के स्टॉक में अगर हम अपना हाथ अंदर लेकर के जाएं तो हमको कैसा फ़ील हो रहा है, वो टेम्परेचर ठंडा सा फ़ील हो रहा है या गर्म फील हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, हम कलर्स देख करके बताते हैं कि ज़्यादा डार्क कलर है, ग्रेइश कलर है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे फिज़िकल टेस्ट में आते हैं। इसके बाद एक और फिज़िकल टेस्ट होता है जिसमें हम एक सीमेंट का ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। इसको सिंपली सपोर्ट रख करके इस पर 340 न्यूटन्स का, यानी कि टोटल हमारी 10 ईंटों का लोड इस पर रखते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं कि ये ब्लॉक सस्टेन कर पाता है कि नहीं, क्या इसमें कोई क्रैक आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके के टेस्ट जो होते हैं हमारे फिज़िकल टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट में हम इसका स्ट्रेंथ टेस्ट देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी देखने के लिए हम विकेट्स अपैरेटस का यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी फेमस अपैरेटस है विकेट्स अपैरेटस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसका केमिकल टेस्ट करते हैं, इसी के हेल्प से हमारी कंसिस्टेंसी निकल के आती है, और जो कंसिस्टेंसी हमें विकेट्स अपैरेटस में मिलती है हम उसी कंसिस्टेंसी का यूज़ करते हैं फर्दर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं, वो भी हमारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, केमिकल टेस्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड का पार्ट सी जो है वो टैकल हो जाता है। इसका पार्ट डी जो है वो अगेन वही है, मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट में कैसे हम फ्लाई ऐश वगैरह का यूज़ करते हैं, किसे रिप्लेस करते हैं सीमेंट को फ्लाई ऐश से, तो यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इन डिटेल आप एनालिसिस के लिए या फिर इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए आप ये लेक्चर सीरीज़ रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में है उसे हमने अच्छे से कवर किया है, वहाँ पे नोट्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें रेफ़र कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट मिक्सेस को अफेक्ट करते हैं, तो अब इस क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए आप वही फैक्टर्स बता सकते हैं, जैसे कंक्रीट की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको अल्टर करना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो फिर कंक्रीट का क्या प्रोपोर्शन होगा, कम चाहिए तो क्या प्रोपोर्शन होगा। फिर अगला आ जाता है फैक्टर आपका, जैसे वर्केबिलिटी की बात कर लेते हैं, हाई वर्केबल मिक्स बनाना है, लो वर्केबल मिक्स बनाना है, क्योंकि अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप डैम की बात करें, रिजर्वायर की बात करें, तो वहाँ पे एक लो वर्केबल मिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बट ऑन द अदर एंड अगर आप बात करें नॉर्मल डे टू डे कंक्रीटिंग की, तो वहाँ पे आपको हाई वर्केबल मिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए आपके। इसके बाद कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, ऑलराइट, और उसमें एग्रीगेट्स का क्या स्ट्रक्चर है, एग्रीगेट्स का क्या प्रोपोर्शन है, क्या रखना है, तो यहाँ से वो फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट के मिक्स के प्रोपोर्शन को अल्टर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड का क्वेश्चन बी देखते हैं, ये है लिस्ट द वेरियस ऑपरेशंस रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे कंक्रीट के प्रोडक्शन में वेरियस ऑपरेशंस जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वेरियस ऑपरेशंस जो है उसमें आपका जो भी बैचिंग है, बैचिंग के बाद मिक्सिंग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, प्लेसिंग है, प्लेसिंग के बाद आपका कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन के बाद फिनिशिंग है, क्यूरिंग है, तो ये सारे जो वेरियस ऑपरेशंस हैं कंक्रीट के लिए वो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। फिर जो इसका थर्ड का सी पार्ट है, इसमें आपको वर्केबिलिटी के लिए कह रहा है, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कंक्रीट से रिलेटेड, कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो वर्केबिलिटी बेसिकली हम क्या समझते हैं कि ये कंक्रीट की अपनी एबिलिटी है कॉम्पैक्ट करने की, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ये वो ईज है जिसके थ्रू हम कंक्रीट की प्लेसिंग कराएं, कॉम्पैक्शन कराएं, मिक्सिंग कराएं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम वर्केबल मिक्स या वर्केबल कंक्रीट कहते हैं। आगे इसने कहा है वर्केबिलिटी में जो फैक्टर्स हैं उनको डिफाइन करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अल्टर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सीमेंट एग्रीगेट, सीमेंट का कंटेंट कितना है, फिर सीमेंट एग्रीगेट रेशियो कितना है, सीमेंट पेस्ट कितना अवेलेबल है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना अवेलेबल है, ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कैसी है। तो ये है कुछ फैक्टर्स जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप सरफेस टेक्सचर भी है उसे भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम ये चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक्सप्लेन इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ टिम्बर इन द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे टिम्बर का अपना काफ़ी लंबा चौड़ा वाइड यूज़ है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे।
मोस्टली ये होता है कि जब हम फॉर्म वर्क्स खड़े करते हैं तो वहाँ पे जो कंक्रीट है, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल बीम है या स्लैब है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए भी हम टिम्बर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट या रिफाइंड प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे भी टिम्बर का यूज़ आता है। तो ये है, हमें कुछ इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर्स है, उनके काम में, फर्निशिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डिस्कस द वेरियस डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो यहाँ पे टिम्बर के डिफेक्ट्स हैं, टिम्बर के डिफेक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं। नेचुरल डिफेक्ट होता है, फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, सीजनिंग के टाइम जो डिफेक्ट आ गए, ठीक है। तो ये सारे डिफेक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं। कप एक है, एक कोन का स्ट्रक्चर बनता है, फिर जो नेचुरल में शेक्स बन जाते हैं आपके, स्टार शेक है, हार्ट शेक है, नॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉट्स आपने देखा होगा कि अगर ये ऐसे कोई एक पोर्शन है जो कट करके बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे ट्री के अंदर ये नॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से आपकी जो कैम्बियम लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। हार्डवुड, सैपवुड, ये अलग अलग इनके ऊपर, नॉट के फॉर्मेशन पर, इन सब के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, ये यहाँ पे हम डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टर्माइट इफेक्ट्स हैं, टर्माइट का अटैक है, वहाँ पे भी उनकी वजह से भी टिम्बर्स में कुछ डिफेक्ट आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ब्लू रॉट है, वाइट रॉट है, ब्राउन रॉट है, ब्लू स्टेन, वाइट स्टेन भी कहते हैं इन्हें, ड्राई रॉट है, वेट रॉट है, तो ये सारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं हमारे टिम्बर के, ठीक है। फिर देखते हैं इनका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हमें मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ स्टील। तो इसका भी टॉपिक हमने कवर किया है, स्टील का, कि स्टील में बेसिकली कैसे स्टील को मैन्युफैक्चर करना है, वहाँ पे कंक्रीट का, सॉरी, स्टील को बनाने के लिए आयरन के साथ साथ कार्बन का कितना परसेंटेज हमें मिक्सचर रखना है, फिर किस तरीके से इन्हें मेल्ट करके एक रिवर्बरेटरी फर्नेस से निकालते हैं, वहाँ पे कार्बन को मिक्स किया जाता है, कार्बन परसेंटेज को हम अल्टर करते हैं, इसकी वजह से हमें स्टील मिल करके आता है। जैसा हमें स्टील का प्रॉपर्टी चाहिए, जिस तरीके का हमारा बिहेवियर चाहिए, उस तरीके से हम कॉन्क्रीट, सॉरी, कार्बन को उस तरीके से हम वहाँ पे अल्टर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप ए का। अब आ जाते हैं हम ग्रुप बी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी सब्जेक्ट का ग्रुप बी का पेपर देखते हैं, एक एनालिसिस, एक जनरल डिस्कशन हम ग्रुप बी पर कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी में जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको नीट स्केच से एक्सप्लेन करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप जान ही रहे, सबसे पहले क्या करते हैं, डिगिंग कराते हैं, डिगिंग करके जो सॉयल है उसे बाहर निकालना है, उसको वेदरिंग के लिए रखना है, फिर उसके बाद पगिंग करानी है, जो उसमें कंटेंट कम पड़ रहे हैं उसको हम आपस में मिक्स करा करके, उसके बाद उसकी ड्राइंग करानी है, ड्राइंग कराने के बाद हम उसको बर्न कराते हैं कर्ल में ले जा करके, चाहे हॉफमैन कर्ल हो, चाहे हमारा दूसरा ऐसे ही नेचुरल बर्निंग भी कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बर्निंग वगैरह करा करके अब हम उसे लॉट्स में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो आप वो दोनों प्रोसेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग है, कंटिन्यूस बर्निंग है, या फिर इंटरमिटेंट बर्निंग है, ठीक है। बुल ट्रेंच और हॉफमैन, ये दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन फिफ्थ का जो दूसरा पार्ट है, ये कह रहा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रिक। अब आपको गुड ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक्स में क्या क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी, ठीक है। तो गुड ब्रिक्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, अगर आप वो लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सिलिका, इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिना, ये हो गया हमारा, लाइम हो गया, फिर आयरन ऑक्साइड है और मैग्नीशिया है। तो ये सारे हमारे गुड ब्रिक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट की बात किया है, तो सिलिका का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा ऑलमोस्ट 40-60% के आसपास होना चाहिए, ये 20% के आसपास होना चाहिए। लाइम जो हमारा है ये 5-8% के आसपास, फिर आयरन ऑक्साइड है 1-3%, सेम ये भी ऑलमोस्ट 1-3% के आसपास हम मैग्नीशिया रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये सारे टॉपिक इन डिटेल जो है ये हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने लेक्चर्स में, ना कि ना सिर्फ ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बल्कि सिलिका है तो ब्रिक में सिलिका क्या इम्पार्ट करता है,
लाइम जो है ये ब्रिक में प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है, ठीक है। एल्यूमिना है, उसका क्या रोल है, एक्सपेंशन है, साउंडनेस है, उसको कंट्रोल करके रखना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस टॉपिक में, ब्रिक्स के टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो तीसरा पार्ट है ये कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि जिनमें हार्डनेस अच्छी मिले, साउंडनेस अच्छी मिले, एक रिंगिंग साउंड आए, अगर उनको दो ब्रिक्स को लेकर के आपस में रिंग करें, 1 मीटर की हाइट से अगर हम ब्रिक को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ब्रिक में कोई क्रैक ना आए, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उसको 24 आवर्स वाटर में सबमर्ज करके रखें तो। सेम गोज़ विथ सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या है कि वो टेबल माउंटेड तो हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक भी आपके टेबल माउंटेड होते हैं लेकिन वो मशीन कट होते हैं, सेकेंड क्लास ब्रिक भी टेबल माउंटेड है बट ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन कट हो, वो हैंड कट भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो आउटकम आता है, जो उसका एस्थेटिक व्यू है, वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर दिखता है, कॉर्नर्स बड़े शार्प होते हैं, बट जब ये बात हम सेकंड क्लास ब्रिक पे करते हैं तो इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड क्लास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक में वही है कि जब आप उसे आप ये बात करें मोल्डिंग की, तो वो हैंड मोल्डिंग ही हो जाती है, मशीन मोल्डिंग ना हो करके, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉर्नर्स वगैरह उतने शार्प नहीं रहते हैं, उतने एजी नहीं रहते हैं, और इसके साथ वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है, तो क्योंकि फर्स्ट क्लास का हमने देखा 20% के आसपास है, सेकंड क्लास ब्रिक में आप कह सकते हैं कि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो आपका 22.5%, ठीक है, अगर हम 24 आवर्स तक सबमर्ज करके रखें। बट अगर आप थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो थर्ड क्लास ब्रिक में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो चला जाता है 24% से लेकर के 25% तक भी, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ जो है ये 10 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa। बट ऑन द अदर एंड अगर आप थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो यहाँ पे 3.5 MPa या उससे थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो मिनिमम 3.5 MPa तक की स्ट्रेंथ हमको मिलती है, ठीक है। तो मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्रेंथ भी अगर आप ब्रिक की बात करें तो वो 3.5 MPa ही है। अब आ जाते हैं हम इसके पार्ट ग्रुप बी के दूसरे क्वेश्चन पर, यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पे हमको बोला है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने को और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है जो विच इज़ बींग इन्फोर्सेबल बाई लॉ, जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं कि इनकेस अगर कोई पार्टी किसी को बॉयकॉट करके जा रही है, वायलेट कर रही है, तो वो जो लॉ है वो उसके थ्रू हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको पूरा करवा सकें, ठीक है। बाकी इसके बाद अगला इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है गुड कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लियरली मैंशन होना चाहिए दो पार्टी के बीच में, जो टाइम है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो इसमें वर्क है उसकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि हमें क्या वर्क करवाना है, टाइम की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, टाइम बाउंडेशन होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये कह रहा है अगला टॉपिक है हमारा लंप सम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो एक प्रेडिक्शन करता है कि ठीक है ऐसा प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से वो एक अपने हिसाब से रेट प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल या इन डेप्थ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक जनरल प्रेडिक्शन करता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इतने अमाउंट में बिड कर सकता हूँ, इतने अमाउंट की बिडिंग कर सकता हूँ। अगर अथॉरिटीज़ को वो लगता है कि रीज़नेबल है तो वो उसको टेक ओवर कर हैंडल कर देते हैं और यहाँ से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स का जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे, ये भी टेंडर के बारे में डिफाइन है। तो टेंडर्स भी बेसिकली क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में होता है, जहाँ पे ये वर्क वगैरह एक्सप्लेन किया जाता है कि हमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क इतने टाइम में कराना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम टेंडर कहते हैं। तो एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है NIT, हम उसके थ्रू ही ये टेंडर को ओपन करते हैं। टेंडर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर्स के बारे में बात की गई है। तो टेंडर्स के अलग अलग टाइप हैं, वैसे तो हमने देखे जाए तो PWD के फॉर्म 7 से लेकर के फॉर्म 12 तक, फॉर्म 7, 8, 9, 10 और 12, ये फॉर्म्स जो हैं इनके थ्रू हमारे अलग अलग तरीके के टेंडर्स ओपन किए जाते हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो टेंडर बेसिकली हमारे तीन टाइप के और क्लासीफाई किए जा सकते हैं। एक होता है ओपन टेंडर, जिसको हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरा टेंडर, दूसरा टाइप ऑफ टेंडर जो आता है वो हमारा होता है स्पेसिफिक या फिर क्लोज टेंडर, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के लिए ही ओपन किया जाता है, इट इज़ नॉट ओपन टू ऑल। फिर तीसरा आता है जो सिंगल पार्टी टेंडर होता है। सिंगल पार्टी टेंडर का मतलब आप वही समझिए, किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को उठाया और उसको बोला कि ये ठीक है,
ये वाला काम है, इसे हैंडओवर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, जिसको बहुत कम ग्रुप ऑफ लोग ही परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए ये जो तीसरा टाइप ऑफ टेंडर है ये सिर्फ उन्हीं के लिए निकाला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सिक्स का जो चौथा पार्ट है, पार्ट डी, ये कहता है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ टेंडर इज़ बीइंग रिजेक्टेड। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि टेंडर का रिजेक्शन किन किन सर्कमस्टांसेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने टेंडर भरा और कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी या कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी अपने बारे में, या फिर जो टेंडर भर रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स के या मटेरियल्स के बारे में भर रहा है उनके बारे में हमने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, रेट्स को गलत लगा दिया, तो ये हमारे कॉज ऑफ रिजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक और कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है कि अगर हमने कई कई जगहों पर ओवरराइटिंग कर रखी है टेंडर के फिलिंग में, बिडिंग के टाइम पे, तो ओवरराइटिंग भी हमारा एक कॉज ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि उससे दो आउटपुट निकाले जा सकते हैं, कहीं टू लिख करके उसे थ्री बनाने की कोशिश की गई है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये ऐसी प्रैक्टिसेस वहाँ पे इंटरटेन नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो ये भी कॉज ऑफ रिजेक्शन बन जाता है। इसके अलावा जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, अगर हमारा टेंडर उस पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को नहीं मीट कर पा रहा है तो वो भी एक कॉज ऑफ रिजेक्शन हो जाता है हमारे टेंडर के लिए, ठीक है। फिर अगर बात करें तो अगर हमने एक डिस्कशन किया था अपने लेक्चर में टेंडर से रिलेटेड कि एक चीज़ होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वो अमाउंट है जो हम टेंडर जब भरवाते हैं, जो भी हमारा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है उसके थ्रू किसी भी एजेंसी को अगर वो टेंडर भरना है तो वो एक EMD डिपॉजिट करवाते हैं मुझसे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि कोई फॉल्स बिडिंग ना हो पाए। फॉल्स बिडिंग का मतलब यही हो गया कि कुछ लोग फेक टेंडर भरते हैं जिन्होंने एक अनरीजनेबल प्राइस लगा दिया और टेंडर भर दिया, इनकेस अगर उनका टेंडर सेलेक्ट हो गया तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो तो भाग जाएंगे क्योंकि वो काम करेंगे नहीं उस प्राइस में, तो फिर वापस से टेंडर निकालना पड़ेगा, तो इस चीज़ का जो एक्सपेंस है वो दोबारा से अथॉरिटीज़ को बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक EMD होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये किसी भी जो बिडर होता है उससे ये डिपॉजिट करवा लिया जाता है। तो कॉज ऑफ रिजेक्शन में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम जो भी EMD है वो प्रॉपर उसने सबमिट नहीं किया, या फिर देखिए EMD डिपॉजिट कराने का क्या है, ये कैश में नहीं कराया जाता, इसको हम चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। तो अगर EMD के अमाउंट में कुछ हेर फेर है या फिर EMD प्रॉपर टाइम पे या रिक्वायर्ड टाइम पे नहीं डिपॉजिट किया गया तो आप टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो वहाँ से भी आप रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन में कि यहाँ पर डिफरेंसेस बताने CPM और PERT में, ठीक है। तो CPM और PERT का भी हमने लेक्चर किया है, उसमें भी आपको ये डिफरेंसेस क्लियरली दिख जाएंगे CPM और PERT के बीच में, कि CPM जो होता है वो एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और PERT जो है वो आपका प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट होता है, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो वो PERT में चलाता है, ऑलराइट। इसके बाद PERT में हमने देखा था कि वहाँ पे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह फॉलो किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड CPM की बात करें तो वहाँ पे किसी भी कर्व के हिसाब से एनालिसिस नहीं चलती है, वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। PERT में आपके तीन टाइम फॉलो करते हैं, जिसमें एक आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम आ जाता है, एक पेसिमिस्टिक टाइम आ जाता है, एक मोस्ट लाइकली टाइम आ जाता है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप CPM में बात करें तो CPM में सिर्फ एक ही टाइम रहता है जो कि एक्सपेक्टेड टाइम या प्रोजेक्ट का एक्टिविटी का टाइम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं PERT और CPM में, जिसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी वेटेज यहाँ पे 10 मार्क्स का है, और कई बार देखा गया ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड हैं। फिर क्वेश्चन 7 के ही दूसरे पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे स्लैक, फ्री फ्लोट, डमी एक्टिविटीज़, क्रिटिकल पाथ और इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो ये भी छोटी छोटी डेफिनेशन, इनके बारे में भी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि स्लैक के बारे में कह रहा है। तो स्लैक बेसिकली क्या है, हमने देखा था PERT में कि PERT जो होता है वो हमारा इवेंट ओरिएंटेड है, ऑन द अदर एंड CPM जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो PERT जब इवेंट ओरिएंटेड है, किसी एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जा रहे हैं, तो किसी भी एक इवेंट पर जो भी फ्री स्लैक, जो भी टाइम मिल रहा है हमारा, ठीक है, कौन सा टाइम होता है वो लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है लेटेस्ट अलाउबल और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड का, वही कहलाता है हमारा स्लैक, ठीक है। जैसे अगर हम ये बनाने की कोशिश करें, सपोज ये ज़ीरो है, ये एक्टिविटी का टाइम है, मान लेते हैं 5 days, तो ये 5 आ जाए, मान लेते हैं ये 8 है, तो 8-5 ये 3 है, तो ये इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, ये इसका लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, ठीक है, लेटेस्ट अलाउबल टाइम है। तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे जो डिफरेंस आता है लेटेस्ट अलाउबल और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड में,
इसी तरह यहाँ पे भी जो डिफरेंस आता है यही कहलाता है हमारा स्लैक। स्लैक तो हमें पर्ट में देखने को मिलता है। स्लैक का ही जो एनालॉजी है वो सीपीएम में देखने को मिलती है फ्लोट के नाम से। तो फ्लोट भी हमारे टोटल चार तरीके के होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरमिटेंट फ्लोट। तो यहाँ पे हमसे डिस्कस करने को बोला है फ्री फ्लोट। अब फ्री फ्लोट बेसिकली क्या होता है? फ्री फ्लोट हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो टोटल अवेलेबल टाइम जिसमें हमारी सक्सीडिंग एक्टिविटी को हम अल्टर ना कर रहे हैं, उसको हैम्पर ना कर रहे हैं, सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ को बिना परफॉर्म, बिना डिले कराए, बिना सक्सीडिंग एक्टिविटी को छेड़े, हम अपनी अवेलेबल एक्टिविटी में कितना ज़्यादा डिले प्रोवाइड करा दें, वही हमारा फ्री फ्लोट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डमी एक्टिविटीज़ का। तो डमी एक्टिविटीज़ भी बेसिकली क्या है? वो लॉजिकल और ग्रामेटिकल रिलेशंस को एस्टेब्लिश कराने के लिए हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है चाहे PERT है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, फिलहाल मैनुअली तो हम बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाते हैं, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ढेर सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैनुअली उसे हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स का हेल्प लेते हैं। तो वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एक अलग एक्टिविटी की एक अलग यूनिक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर कहीं इस तरीके का आया कि ये एक्टिविटी आई है और ये एक्टिविटी जे है, इवेंट, तो ये दोनों इवेंट है और ये इनकी एक्टिविटी है कुछ इस तरीके से, तो इस एक्टिविटी का नाम भी अगर प्रोग्राम में जाएगा तो वो भी आई जे कहलाएगा, इसका भी नाम आई जे कहलाएगा। तो ऐसे केस में ना हो इस तरीके की चीज़ें, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम डमी एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। हमने एक और इवेंट बनाया, उसका नाम आई डैश लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप इसका नाम देंगे तो ये आई आई डैश, ये वाला आई डैश जे और ये वाला आई जे, तो इस तरीके से हमने यूनिक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। साथ में हमने देखा कि जो डुप्लीकेशन आ रहा था डुप्लीकेशन भी नहीं आया, यूनिक आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश हो गई। तो ये सब पर्पसेस होते हैं हमारे डमी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे डिफाइन करने को कह रहा है आपसे क्रिटिकल पाथ और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो सेम है, इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात करें तो जैसा फ्री फ्लोट में था, सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ को नहीं डिफर करना है, नहीं परेशान करना, ठीक है, उनको अपने टाइम पे शुरू होने देना है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होता है, हम सक्सीडिंग के साथ साथ प्रीसीडिंग एक्टिविटी का भी ख्याल रखते हैं, हम देखते हैं कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी को भी अपना काम करने के लिए पूरा जो भी अवेलेबल टाइम है वो मिले, और सक्सीडिंग एक्टिविटी को भी अपना काम करने के लिए जो भी अवेलेबल टाइम है वो वहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास फ्री अवेलेबल टाइम होगा वही हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा। और इसके बाद ये एक और पॉइंट है इसमें, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज़ नथिंग बट हम कह सकते हैं टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें हम अपने नेटवर्क को, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को कह रहा है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, एस्केलेशन है, पाई डायग्राम्स और बार चार्ट है। तो ये भी हमने अपने नोट्स में, क्लास नोट्स में या फिर लेक्चर्स में हमने इसको अलग अलग टाइप को डिफाइन किया, अलग अलग टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन को यहाँ पे लिखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, इसके बाद परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज या डिक्लाइनिंग मेथड होता है, तो वहाँ से कैसे डिप्रिसिएशन किया जाता है। हमने सिंक इन फंड के बारे में भी डिस्कस किया है कि सिंक इन फंड भी एक मेथड है, उसके थ्रू भी हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एस्केलेशन है, पाई चार्ट है और बार चार्ट है, पाई डायग्राम है और बार चार्ट है। तो पाई डायग्राम तो बेसिकली वही कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कौन कौन सा अलग अलग हिस्सा है, उसको कितना कितना वेटेज मिला, कितने कितने परसेंटेज में उसको ब्रेक डाउन किया गया, तो ये सारी चीज़ें हम पाई डायग्राम से रिलेटेड लिख सकते हैं। बार चार्ट के बारे में, तो बार चार्ट भी नथिंग बट वो एक्टिविटी और टाइम का एक चार्ट बनाते हैं, एक्सेस, ये टाइम एक्सेस हो जाती है, ये हमारी एक्टिविटी एक्सेस हो जाती है, इससे पता चलता है कौन सी एक्टिविटी को करने में कितना टाइम हमें लगने वाला है, कौन सी एक्टिविटी कहाँ से शुरू होगी, ठीक है। शेड करके हम देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पर कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट या कितने एक्सटेंट तक काम हुआ है। बट बार चार्ट में वही हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपस में इंटर डिपेंडेंसी जो है वो हम नहीं शो कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ हमारे बार चार्ट में लिमिटेशंस भी हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 × 4 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है जो ग्रुप सी के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ग्रुप सी में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, तो एक बार ग्रुप सी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मोर और लेस आप अगर ये लेक्चर सीरीज़ हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की है दो पार्ट में, इसे आप अटेंड करते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ही किया जाता है आपके एग्ज़ाम के एटमोसफियर को देखते हुए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही ये आपकी सीरीज़ डिज़ाइन की जाती है। तो ग्रुप 9 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है
टर्म इज़ यूज टू इंडिकेट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर इन स्टोन. तो ऐसा कौन सा टर्म है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर इन स्टोन्स. तो यहाँ पे आप मैसनरी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगला है स्टोन विच आर प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स राइट अक्रॉस द वॉल आर नोन एज. वो स्टोन्स जो रेगुलर इंटरवल्स पर प्लेस किए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, उनको हम यहाँ पे थ्रू स्टोन के नाम से जानते हैं. ठीक है, फिर तीसरा है द वर्टिकल जॉइंट्स सेपरेटिंग द ब्रिक्स इन आइदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शन इज नोन एज. वो वर्टिकल जॉइंट्स क्या है जो ब्रिक्स को या तो लेंथ या फिर क्रॉस डायरेक्शन में सेपरेट करें, तो उनको हम परपेंट्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे है इन डैश टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द बॉन्ड्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रेचर कोर्स. तो सिंपल है, ये तो क्वेश्चन में ही देख रखा है कि सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हैं, स्ट्रेचर कोर्स में लगे हुए. ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बॉन्ड का स्ट्रेचर बॉन्ड ही बोलते हैं. फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं. यहाँ पे है डैश वाइब्रेटर्स कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब विच इज़ इंसर्टेड इन फ्रेश कॉन्क्रीट. तो ये कौन से वाइब्रेटर्स हैं जिसमें स्टील ट्यूब लगाई जाती है, तो वो होते हैं हमारे इंटरनल वाइब्रेटर्स. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कह रहा है डैश इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील. तो स्टील में कार्बन का परसेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो ये भी बड़ा सिंपल है. हमने ये अपने स्टील के भी लेक्चर में डिस्कस किया था. जनरली तो ये वेरी करता है 0.1 से लेकर के 2 या 2.3 परसेंट तक, बट यहाँ पे ऑप्शन उस रेंज में है तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 0.25 से लेकर के 1.5 तक. ठीक है, जिसमें 0.25 से लेकर के 1 तक तो हमारा माइल्ड स्टील है, फिर 1 से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमारा हाई कार्बन स्टील वगैरह आ जाते हैं, उसमें भी कार्बन परसेंटेज का वेरिएशन रहता है. फिर यहाँ पे क्वेश्चन 7 देखते हैं. क्वेश्चन 7 है हु इंट्रोड्यूस द गैंट बार चार्ट. तो ये भी हमने डिस्कस किया है, बार चार्ट का इंट्रोडक्शन हेनरी गैंट ने किया था. ठीक है, फिर फुल फॉर्म ऑफ CPM पूछा है, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा. फिर ये कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी अचीव्ड अंडर आइडियल सर्कमस्टांसिस इज नोन एज. तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें कोई एक्टिविटी अचीव की जाए वो हो जाती है हमारी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट. ठीक है, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है ये है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इज नोन एज. इसी को हम कहते हैं टोटल फ्लोट. तो जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम टाइम है और जो टाइम चाहिए उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, टोटल फ्लोट. ये वही टाइम है जिससे हम अपनी एक्टिविटी को डिले करा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पेपर जो है आपका समर 2020 बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस का इसे डिस्कस किया. तो पता चला कि पेपर काफ़ी बेसिक इन नेचर है, स्पेशली ये वाला जो पेपर है ये थ्योरेटिकल इन नेचर है. कभी कभार इसमें कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोट कैलकुलेशन के लिए, जिसमें वो टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट और इंटरमिटेंट फ्लोट के बारे में भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो वो भी हमारे लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं. तो सजेशन रहेगा मेरी तरफ से कि आप ये सब्सक्राइब करिए और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है. ये लेक्चर सीरीज़ आपको नियरली 30-40 आवर्स में आपकी ये पूरा सब्जेक्ट कवर कराते हैं, जिसमें सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम, स्पेशली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, तो इसी के साथ टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन, विंटर सेशन जो आपका होने वाला है. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और अच्छे से पेपर दीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए. थैंक यू सो मच.